बाबूलाजी सरोवर बाबूजी सिसोदिया बाबू भाई अनिस और इस्लाम जी सरोवर बाबूजी सिसोदिया नजर आ रहा है अच्छी तरीके से कि ये कौन सा मंच है। अब मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ, वो बात ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सभी मौजूद है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा है। तो मैं मुस्लिम समाज के लिए एक दो बात बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, किया जाएगा बाद में जाने करने। आपके सामने एक चेहरा ऐसा चमकता दमकता महकता हुआ आया है, तो आप इस चेहरे को परखेंगे तो आपको सबसे पहले तो आप जो कायमगामी समाज और मुस्लिम समाज जो इतनी बड़ी सभा का आज यहाँ आयोजन किया, आप लोगों ने इतनी बड़ी सभा लाडनो के अंदर कहीं पर भी नहीं हुई है, मुकेश जी भाकर के पक्ष में सबसे बड़ी सभा यहाँ लाडनो में हुई है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आपको मैं दो तीन छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि विपक्षी दल जो है, हम जिस फील्ड में काम करते हैं मीडिया के फील्ड में, वहां पे हम लोगों को ये जानकारियां रहती है कि कौन लोग क्या बातें करते हैं। तो मुकेश जी जैसे ही टिकट लेके आए तो सबसे पहले विपक्षी दलों ने कुछ बातें बनानी चालू की, बाउंडर बनाना चालू किया कि भाई इसके साथ तो 8-8, 10-10 साल का छोड़ा है कोई को नहीं, तो आज 7-8 साल का आदमी जो भी है वे सब लोग स्टेज पर बैठे हैं, तो आगे लिए बहुत बहुत ताड़ियां बजाने को स्वागत करेगा आपका साकर ये सब लोग हो गया। तो अब आप डरबा की जरूरत को नहीं और मुकेश जी भाकर ही लाडू विजय और विधानसभा में जासी। दूसरी बात, ये लोग ले आके गांव के मायना के सागर, तो मुकेश जी का छोरा चंडा है शेर के माय तो, और गांव के माय नहीं आदमी सागे कोई को नहीं, तो गांव के माय में लोग मीडिया का लोग मुकेश जी सागे गया तो बता देखो यार दूल्हा की बंदूरी काटे भी गए साहब, मुकेश जी ने घोड़े पर बिठा रहे है, ट्रैक्टर पर बिठा रहे है, बाजाऊ ले जा रहे है, 130-140 गांव माय ने सब ज्यादा मीटिंग और सभा मुकेश जी की हुई। और मुकेश जी ने अपने लियाकत से यहाँ जो भी लोग जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं कि उस जाति के हिसाब से वोट देना है ये देना है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मुस्लिम समाज को करीब 18 टिकटे राजस्थान के अंदर दिए, तो राहुल गांधी जी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस बात पे कि मुस्लिमों को उनको उन्होंने बराबर रख दिया अपन लोगों को। वही दूसरी तरफ भाजपा सरकार है जहाँ सिर्फ यूनुस खान जी को बलि का बकरा बनाने के लिए टोंक भेज दिया गया है। मैं आपके सामने दो बात रखूंगा, आपके समाज के अंदर इतना जुनून, जब मैं टिकट लेके आया था वो देखा था, और मुकेश भाई से मैंने वादा किया था कि उससे भी अच्छा जुनून हमारे समाज में आपके लिए होगा, और ये चीज आप मेरे समाज के लोगों ने करके दिखा दी और मैं बहुत बहुत गदगद हो गया आपका जो जोश देखे, और आप लोगों ने मेरा सम्मान रखा उसके लिए मैं मेरे समाज के और 36 कौम के मेरे वर्कर जो भी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मूल ओबीसी का हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जो मुझसे जुड़ा हुआ था वो बगैर के मैं स्टेज में जाते कि लियाकत स्टेज में आ गया और वो लग गए, मैं उन सब कौम के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। गिरधारी जी, चुनावी सभा में मंच पर मौजूद, मंच बहुत लंबा चौड़ा बनाया आज तो टाइम है कम, सबका नाम लूंगा बहुत देर हो जाएगी, तो मैं सम्मानित मंच कह के अपनी बात को शुरू करूंगा। और कल पार्षद साहब जब प्रोग्राम का इस कार्यक्रम का हमसे टाइम मांगने आए थे तो हमने कहा कि जवाब आपसे हमने एक परमिशन ली है, तो आपके पार्षद साहब का ये कहना था कि वो कार्यक्रम हम लोग कराएंगे और अच्छा कराएंगे, और मुझे इस मंच से कहते हुए ये खुशी हो रही है कि जिस दिन से टिकट लेकर मैं लाडनो में आया तब से लेकर खूब प्रोग्राम हुए, शहर में भी हुए, गाँव में हुए, बहुत अच्छे हुए, लेकिन आज जो शहर का आखिरी प्रोग्राम कल चुनावी सभा के लिए, उससे पहले का जो प्रोग्राम आप लोगों ने कराया है वो इस लाडनो में अब तक की मीटिंग का सबसे अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। इस मंच से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जब से मैंने इस लाडनो में राजनीति शुरू की
सबसे पहली बात यह थी कि मुस्लिम समाज जो विचारधारा से कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन किसी कारणों से यहाँ बहुत सा वोट बीजेपी में जाता था, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय वो था। लेकिन आज आप लोगों ने ये तय कर दिया कि आप लोग मुकेश भाकर और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो, और मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज मेरी जो चिंता थी वो मैं ये समझता हूँ कि आज मुझे ये लगता है कि जो काम मुझे करना चाहिए था, जितनी मेहनत मैंने करी ना करी, ऊपर वाले की मर्जी से आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 7 सालों में जब से इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई, तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो या उसके बाद देश का विकास हो, उसमें हर वर्ग को साथ लेके, हर धर्म को साथ लेके इस देश को यहाँ तक पहुंचाया। और पिछले 5 सालों में पहली बार बीजेपी के लोग संपूर्ण बहुमत से इस देश में आए और उन्होंने आते ही अपना रंग दिखाया। उसमें चाहे किसान की आत्महत्या हो, या SC/ST एक्ट से और आरक्षण से छेड़खानी हो, या फिर इस देश में दंगे फैलाना हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम जो था इस आजादी के टाइम और इन 5 सालों में सबसे ज्यादा इन बीजेपी के लोगों ने किया। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो योजना जो नीति बनाती है उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखती है कि नीचे के तबके के, गरीब आदमी के, गाँव के और हर वर्ग के आदमी को कैसे फायदा पहुंचे। एक तरफ बीजेपी की नीतियां बनती है उसमें पहले ये ध्यान रखता है कि इसका फायदा व्यापारी को कैसे पहुंचेगा, बड़े आदमी को, धनाढ्य आदमी को कैसे पहुंचेगा। तो ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। आप लोगों को मैं इस मंच से भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आज से मैंने, जब से मेरी छात्र राजनीति शुरू की आज से 10-12 साल से हो गए मुझे, तब से लेकर आज तक ना जाति का भेद ना धर्म का भेद, हर जगह मैंने हर समाज को साथ लेकर चलने का काम इससे पहले किया। और इस मन से भरोसा दिलाता हूँ कि आगे इस मन से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस लाडू में जो आगे से राजनीति होगी कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो इस बात पे होगी कि इस लाडू में चिकित्सा सेक्टर कैसे ठीक हो। हमारी बहन बेटियां बुजुर्ग, कोई भी घटना हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो लाडनू में कोई सरकारी सुविधाएं, सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉपर डॉक्टर्स की व्यवस्था और नर्स हो, हमें बाहर जाना पड़ता है। तो मेरी राजनीति इस बात पे केंद्रित रहेगी कि हम लोगों को चिकित्सा सेक्टर इस लाडनू का बेहतर होना चाहिए। मेरी राजनीति इस बात पे रहेगी कि हमारे यहाँ बच्चियों के लिए सीनियर स्कूल, अलग से सीनियर स्कूल इस लाडनू में बनना चाहिए। मेरी राजनीति इस बात पे रहेगी कि शहर की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इस शहर में स्वच्छता रहनी चाहिए, जो गंदगी सीवरेज की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है वो सीवरेज की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। मैं इस मन से भरोसा दिलाता हूँ कि आगे की मेरी जो राजनीति इस लाडनू में रहेगी वो ये रहेगी कि सब धर्मों में आपसी भाईचारा बना रहे, नाजायज किसी को किसी जाति धर्म के नाम पे परेशान ना करा जाए, 36 कौम के लोगों का विकास हो, उनकी सेवा में, उनके सुख दुख में कांग्रेस पार्टी खड़ी रहे, इस बात पे राजनीति होगी। इस बात पे राजनीति नहीं होगी कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, जाट को राजपूत से लड़ाओ, मीणा को गुज्जर से लड़ाओ, दलित को स्वर्ण से लड़ाओ। मैं इस मंच से भरोसा दिलाता हूँ जितने लोग इस मंच पे बैठे हैं, जो काम आपका जायज विकास का काम होगा उसमें मैं आपके बीच में आके, आपको किसी के पास आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बीच में आके उस काम को पूरा करने का, विकास के काम को, सुख दुख के, सेवा के काम को आपके बीच में आके पूरा करूंगा। इस मन से मैं सारे नेताओं का, जो समाज के लोग हैं और 36 कौम के लोग हैं, जिस दिन मुझे टिकट मिला उस दिन से लेकर, चाहे लियाकत जी हो, चाहे हमारी पार्टी के और लोग हो, सबने खुद का चुनाव समझकर आज इस चुनाव को इस स्थिति में लाके खड़ा किया है। मैं इस मन से आपको भरोसा दिलाता हूँ, 250 से ज्यादा सभाएं हम इस लाडनू में कर चुके हैं, सारे गांवों में, शहर की ये 10वीं 12वीं मीटिंग है, हर जगह जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है वो आज से पहले कभी भी इतने लोग निकल के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आए जितने आ जाए। हर गांव में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बहने, हर वर्ग के लोग निकल के इस कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने आ रहे हैं। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो समर्थन, जिस उम्मीदों के साथ, जिस विश्वास के साथ आप लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हो, उस भरोसे में मैं आपके बीच में हमेशा, उस भरोसे में विश्वास को बनाए रखने के लिए आपके बीच में रहूंगा, इस बात का वादा इस मत से करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
आप लोगों का जिन्होंने इतना सुंदर अच्छा प्रोग्राम रखा, और कल चुनाव प्रचार बंद होगा 5 बजे, उससे पहले बस स्टैंड पर एक परिवर्तन रैली रखी गई है। उस चुनावी सभा का नाम परिवर्तन रैली इसलिए रखा है कि इस्लाहनू में खत्म होना चाहिए जातिवाद, इस्लाहनू में खत्म होना चाहिए सांप्रदायिकता, इस्लाहनू में खत्म होना चाहिए वंशवाद, इस्लाहनू में आना चाहिए प्रेम, अमन और भाईचारा और विकास।